नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी। मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में। तो दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का समय पर इलाज करवाना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि इसमें आपका इम्यून सिस्टम अफेक्ट होता है। इम्यून सिस्टम के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में कितना महत्वपूर्ण है। हमारी बॉडी को इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया या फिर वायरस, ऐसे कोई भी फॉरेन बॉडीज होते हैं या फिर कोई भी इन्फेक्शन होता है, उससे बच जाता है, तो हमारी बॉडी को लड़ने में मदद करता है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका कुछ उल्टा ही होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी बॉडी पर ही इम्यून सिस्टम अटैक करने लग जाता है। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल में और भी बताऊंगी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है, उसके कारण कौन कौन से हैं, उसमें आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं, और साथ में ये भी जानेंगे कि उसमें कौन कौन से आपको लेबोरेटरी रिपोर्ट्स करवाने चाहिए। और इस वीडियो के दूसरे पार्ट्स में हम देखेंगे कि आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए, आप कौन सी प्रिवेंटिव चीजें कर सकते हैं जिससे आपको ये ना हो, और थोड़े कुछ घरेलू उपाय भी हम जानेंगे। तो इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और सेकेंड पार्ट को भी जरूर देखिएगा, और अंत तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पास वाला बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको ऐसे ही और जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्यों होता है, यानी कि उसके कारण कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपकी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होती है। इम्यून सिस्टम से मतलब है कि आपकी रोग प्रतिकारक जो शक्ति होती है वो। तो आपकी इम्यून सिस्टम नॉर्मली क्या करती है कि आपको कोई भी बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, या फिर कोई भी फॉरेन बॉडी आपके शरीर में आता है अगर, तो उससे लड़ने में हमें मदद करती है, यानी कि उससे हमारा बचाव करती है। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो उल्टा ही आपके शरीर पर ही अटैक करने लग जाती है। यानी कि आपकी इम्यून सिस्टम बॉडी के अंगों को ही, बॉडी के जो पार्ट्स है आपके, उनको ही फॉरेन बॉडी समझने लग जाती है, यानी कि उनको ही बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा सब समझने लग जाती है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा कि ये सबसे पहले आपके जॉइंट्स पर अफेक्ट करेगा, यानी कि आपके शरीर के जो भी जोड़ है सारे, उसके ऊपर अफेक्ट करेगा, उसको उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें आपको दर्द होगा, और उसके बाद बहुत ही लास्ट स्टेज में वो आपके बड़े बड़े ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो बहुत ही लास्ट स्टेज में वो होता है। नेक्स्ट देखें तो ये किसी भी उम्र की व्यक्ति को हो सकता है। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो आपको अधिकतर ज्यादा उम्र के लोगों में दिखाई देता है, और जो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। लेकिन हाई रिस्क जो है वो 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति होते हैं उसमें बहुत ज्यादा देखा गया है। नेक्स्ट देखें तो अगर जेंडर की बात करें हम, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि महिलाओं में कैल्शियम की कमी बहुत ही ज्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आप सिगरेट, धूम्रपान का सेवन बहुत ज्यादा करते हैं तो आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखें तो आपको कोई पुरानी चोट लगी हुई है, आपका कोई लिगामेंट इंजर हुआ है, तो उसके कारण भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो जीनेटिक रीजंस। जीनेटिक यानी कि अगर आपकी फैमिली में किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ है पहले, या फिर आपके किसी भी माता पिता को हुआ है, तो आपको भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आपका वजन बहुत ज्यादा है, आप मोटापे से सफर कर रहे हैं, तो भी आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने के जो रिस्क है वो बढ़ जाते हैं। अगला देख लें तो लक्षण क्या क्या होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। तो सबसे पहला लक्षण आपको दिखाई देगा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, जोड़ों में दर्द होना। दर्द बहुत ही ज्यादा होता है, और सबसे पहले आपके जो छोटे जोड़
छोटे जो जॉइंट्स है वो अफेक्ट होते हैं, जैसे कि फिंगर्स है, आपका जो पाँव है वहाँ के जॉइंट अफेक्ट होते हैं। उसके बाद आपके जो बड़े जॉइंट्स है जैसे कि एल्बो जॉइंट है या फिर नी जॉइंट है, वो अफेक्ट होते हैं। तो उनमें बहुत ही ज़्यादा आपको दर्द होगा, आपको दर्द इतना ज़्यादा होगा कि आपको आराम के टाइम पे दर्द बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आप मूवमेंट करेंगे ऐसे आपका दर्द कम हो जाएगा। जैसे कि आप उंगलियाँ हिलाएंगे तो आपका जो दर्द है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से अफेक्ट होता है। नेक्स्ट देखें तो आपकी जो उंगलियां है उसमें और आपके जितने भी जॉइंट्स है उसमें आपको स्टीफनेस हो जाएगी, यानी कि अकड़न महसूस होगी। स्टीफनेस का क्या मतलब है? आप कुछ भी मूव नहीं कर पाएंगे इजीली। जैसे कि आपकी उंगलियां हैं तो उंगलियों को आप मुट्ठी बंद नहीं कर पाएंगे, तो इतनी आपको दिक्कत होगी, इतनी आपको स्टीफनेस आ जाएगी कि आप मुट्ठी बंद ही नहीं कर पाएंगे। अधिकतर ये स्टीफनेस है वो आपको सुबह के समय में ज्यादा देखने को मिलेगी, या फिर आप आराम कर रहे हैं तब आपको ज्यादा स्टीफनेस होगी, और आप अगर मूवमेंट करते हैं तो आपको स्टीफनेस आपकी जो है वो धीरे धीरे चली जाती है। आप इसको ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ कंपेयर करके देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको मिनिमम आपको 30 मिनट्स तक ऐसा लगता है कि अकड़न रह रही है, 30 मिनट्स के बाद ये जो स्टीफनेस है वो चली जाती है। लेकिन अगर 30 मिनट से ज्यादा रहती है तो आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आपको जॉइंट्स में बहुत ही ज्यादा सूजन दिखाई देगी, रेडनेस दिखाई देगी, और बहुत ही ज्यादा टेंडरनेस होगा, यानी कि आप टच करते हैं जॉइंट्स को थोड़ा भी तो आपको बहुत ही ज्यादा दर्द होगा। नेक्स्ट देखें तो आपको बहुत ही ज्यादा थकान महसूस होगी, बुखार का आना भी नॉर्मल माना जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। नेक्स्ट देखें तो बहुत ही ज्यादा आपको पसीना आएगा या फिर भूख कम लगेगी आपको, आपका वजन जो है वो दिन भर दिन कम होता जाएगा। तो ये सभी लक्षण होते हैं। और अगर लेट स्टेज जो होता है जिसमें आपके जो ऑर्गन्स है, जो आपके मुख्य ऑर्गन्स है वो अफेक्ट होंगे, अगर जैसे फेफड़े हैं, हृदय है, वो अफेक्ट होगा, तो आपके सीने में दर्द होगा, तो इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम ये जान लेते हैं कि इसमें आपके कौन कौन से लेबोरेटरी टेस्ट डॉक्टर करवाते हैं। तो सबसे पहला टेस्ट है ANA टेस्ट, यानी कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो हमारे बॉडी पार्ट्स को ही फॉरेन पार्टिकल्स यानी कि बैक्टीरिया वायरस समझने लग जाती है और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाने लग जाती है। तो ANA में क्या पता चलता है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडी बना रही है या नहीं बना रही है, यानी कि ANA अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपकी जो इम्यून सिस्टम है आपके शरीर के विरुद्ध एंटीबॉडी बना रही है, यानी कि आपके अंगों पर अटैक करने के लिए एंटीबॉडी बना रही है, और अगर नेगेटिव आता है तो आपके अंदर एंटीबॉडी नहीं बन रही है। तो कोई भी ऑटो इम्यून डिसीज होता है तो उसमें ANA टेस्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये कब करवाते हैं कि आपके शरीर में कोई भी सूजन आई है। मैंने आपको आगे बताया कि आपकी इस डिसीज में यानी कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको सूजन की दिक्कत होती है, यानी कि स्वेलिंग की। तो आपके शरीर में कोई भी किसी भी जगह अगर स्वेलिंग आती है तो ESR जो है वो बढ़ जाता है, तो उस तरह से आप जान सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो RA फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए ये जो RA फैक्टर है वो एक स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर वो पॉजिटिव आता है तो आपके जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखें तो NTCCP टेस्ट, NTCCP टेस्ट है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक स्पेसिफिक टेस्ट है। अगर ये आपका पॉजिटिव आता है तो आपको 99% रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, क्योंकि आप दूसरे जो टेस्ट है वो सहायक टेस्ट है, आप उन टेस्ट से बता नहीं सकते हैं कि आपको कंफर्म रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ही। लेकिन ये जो NTCCP टेस्ट है उससे भी आपका जो 99% जो होता है वो डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो CRP यानी कि सी रिएक्टिव प्रोटीन, अगर ये आपका हाई आता है तो ये आपको दर्शाता है कि आपके शरीर में कोई इन्फेक्शन हुआ है, आपके शरीर में कोई सूजन आई है, तो इस तरह से आप ये सारे टेस्ट करवा के जान सकते हैं। और लास्ट में मैं आपको बता दूं तो जो मेन टेस्ट है वो है एक्सरे, MRI और अल्ट्रासाउंड यानी कि सोनोग्राफी।
तो एक्सरे के जरिए आप अगर आपकी ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाते हैं तो एक्सरे के जरिए आपका जो समय समय पर आपका जो आपके जो डॉक्टर है वो आपका एक्सरे करवाते रहेंगे ताकि वो जान सके कि ट्रीटमेंट सही से हो रही है या नहीं, यानी कि एक्सरे के जरिए आप इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं और MRI स्कैन भी करवा सकते हैं और सोनोग्राफी भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि आपको कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हेल्प कर सकती है इसमें, और प्रिवेंटिव चीजें कौन कौन सी आप कर सकते हैं, और साथ ही में थोड़े से घरेलू उपाय भी जानेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को जरूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि आपको कोई भी नई वीडियो मैं डालूं तो तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।